साल 2024 की तैयारियों में जुटा विपक्षी खेमा चाहता है कि किसी तरीके से एक मजबूत गठबंधन खड़ा किया जाए और गठबंधन एजेंडा ऐसा हो जो जनता के दिल और दिमाग पर छा जाए। लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, तमाम दल एकजुट हो रहे हैं, लेकिन खास 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई दो दिवसीय बैठक रही, जहां गठबंधन के नाम पर मोहर लगी। नाम दिया गया इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। 26 विपक्षी दलों के गठबंधन को नाम मिला और एनडीए का मुकाबला करने के लिए वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडा देने पर सहमति बनी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है। विपक्ष के अलायंस का इंडिया नाम राष्ट्रवाद पर बीजेपी के एकाधिकार को चुनौती देना माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष सीधे तौर पर बीजेपी के भारत की कार्ड इंडिया लेकर आया और इस इंडिया से विपक्ष की बड़ी आस भी जुड़ी है। इंडिया जीतना जरूरी है और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंच पे सभी लोग बैठे हैं, तो इसीलिए हम जो तय किए हैं, जो रेजोल्यूशन भी हम आप देखे हैं, और उसी ढंग से उस रेजोल्यूशन पे काम करेंगे। हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मूल संदेश भी यही था कि कैसे कांग्रेस के एजेंडे में इंडिया भी है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से यही संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस भी अपने अंदर राष्ट्रवाद को समाहित करती है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी भारत पर बात करती है तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को आस है कि उन्हें इंडिया नाम मजबूती देगा। सीधे तौर पर इसमें बीजेपी के देश भर के समुदाय, जातियों और अलग अलग संस्कृति के बीच भाईचारा मजबूत करने वाले विचारों को हथियाने का सार छुपा है। और अब जब राष्ट्रपति ने G20 के निमंत्रण पत्र से इंडिया की जगह भारत को तरजीह दी, तो विपक्ष की घबराहट लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।